Hello and welcome. This is your first lecture of the Contract Act 1872 and this is Garima Singh with Concord Academy. अब तक तो आप याद कर चुके होंगे. चलो जी स्टार्ट करते हैं. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो आप जैसा कि देख सकते हैं 1872 आज़ादी से पहले का एक्ट है. वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल्स ने इसको पास किया हुआ है. पार्लियामेंट से लेना देना नहीं है ज़्यादा कुछ. ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई बिल बना होगा और फिर लोकसभा राज्यसभा में आया होगा. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा. वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल्स होते थे, उनका डिसीजन होता था. ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉर्ट ऑफ थिंग होती थी, नॉट एक्चुअली अ पार्लियामेंट. वो लोग पास करते थे. तो एक्ट पास हुआ है तो क्या मैम उसके बाद से कभी चेंज नहीं हुआ? चेंज हुआ है बेटा, चेंज हुआ है. एक्ट्स में चेंज, एक्ट में चेंजेस आए हैं, उसको अमेंड किया गया है. आप लोग देखोगे आगे आके. बट यू नो ट्राई टू थिंक, इमेजिन अबाउट इट कि भाई इतना पुराना एक्ट है तो आप देखोगे कॉम्प्लेक्सिटीज इसके अंदर में कि भाई ये एक्ट जैसे ड्राफ्ट किया गया है, इसकी लैंग्वेज जो है इट इज़ एडवांस लेवल लैंग्वेज मैन. बहुत बहुत बढ़िया तरीके से जो है लैंग्वेज वगैरह लिखी हुई है एंड आपको पढ़ने में भी बहुत बढ़िया लगेगा. क्यों? क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रखा है. अच्छा जी, मूवीज़ वगैरह देखते हैं हम कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और ये अग्रीमेंट, ये सब चीज़ें आप बहुत सुन चुके हो. आपके माता पिता जो हैं उन्होंने कभी ज़मीन या घर खरीदा या बेचा होगा तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, डीड है, रेंट अग्रीमेंट है, ये सब आपने खूब सुन पढ़ रखा है इधर उधर. लेकिन अब आप जानने वाले हो कि एक्चुअली में वो होता क्या है. जो आप अग्रीमेंट वर्ड सुनते हो, आप जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुनते हो, इसकी असल डेफिनेशन क्या है, कौन सा लॉ इसको गवर्न करता है, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, ये सब चीज़ें. सो दिस चैप्टर हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू 6 यूनिट्स. 6 यूनिट्स हैं जिसका पहला यूनिट हम पढ़ने वाले हैं. अच्छा खासा लेंथी चैप्टर है लेकिन है बहुत ईजी. आप धीरे धीरे पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा. एंड डेफिनेटली इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आई वुड से. नॉट बिकॉज बाकी सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिकॉज इसका कवरेज बुक में सबसे ज़्यादा है. इसीलिए आपको पढ़ना है फ्रॉम द बिगिनिंग. आपको जो आपके पहले दो यूनिट्स हैं उसमें आपका फाउंडेशन बनेगा, बेस बनेगा. आपको फिर बाद के यूनिट जो हैं बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे. ठीक है, तो आपको शुरू से ही पेस जो है एक मेंटेन करके रखना है कि पढ़ते जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है कि भाई बाद में पढ़ लूँगा. सेकेंड यूनिट छूट गई, थर्ड पढ़ना शुरू कर दिया, ये काम नहीं करना है. मैं पढ़ाती जा रही हूँ, आप उसको रिवाइज करते जाओ, पढ़ते जाओ. नॉट अ वेरी बिग टास्क टू डू. ठीक है, चलिए तो हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं जल्दी से देख लेते हैं. एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, किसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, एसेंशियल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. एलिमेंट्स में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किन किन चीज़ों से बनता है, कौन से दो एलिमेंट्स हैं, कौन से दो उसके तत्व हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं, उसका जन्म होता है, विच इज़ अग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ. अग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर से, एक्सेप्टेंस से, और फिर लीगल रूल्स वगैरह हम लोग देखने वाले हैं. ऑफर, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का, जो कि आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है लेकिन वंस यू विल रीड इट तो आपको समझ में आएगा वाओ कितना बढ़िया से ड्राफ्ट किया गया है चीज़ें. ठीक है, चलो. सो इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग चैप्टर बाय द वे. चलिए, सो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंट्रोडक्शन. आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट्स आजकल बिजनेसेस जो हैं वो इन्यूमरेबल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यूमरस कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं. किसी भी व्यक्ति के साथ कोई कंपनी है, आप कंपनीज एक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो. कोई कंपनी है, किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना है तो कंपनी ने अपने नाम पे ट्रांजैक्शन करना है तो वो क्या करती है, वो अग्रीमेंट बनाती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, उसमें कंपनी की सील लगती है या फिर डायरेक्टर्स या जो डायरेक्टर्स उस पर साइन करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी उस पर साइन करता है. ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं. आजकल हर एक चीज़ रिटर्न होती है. ठीक है, आजकल वर्बल कुछ भी नहीं होता जनरली क्योंकि ट्रस्ट इशूज़ हैं. ठीक है, और ऊपर से कोर्ट में एनफोर्सिबिलिटी नहीं होगी. कोर्ट में जो है आप कहोगे कि हाँ हमने इनसे कॉन्ट्रैक्ट मेंटर किया था और हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है तो कैसे कोर्ट मानेगा, कैसे जज मानेगा? भाई अंधा कानून है, अंधा है तो छू के कागज़ का टुकड़ा छुएगा तब तो उसको पता चलेगा कि हाँ आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, आपका वाकई में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हुआ था पार्टी के साथ. तो इट इज़ ऑल्सो एन एविडेंस. सो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, आपके अग्रीमेंट्स हैं, वो आपके एविडेंसेज हैं जो आपको कुछ राइट्स देते हैं. एक पार्टी को कुछ राइट्स मिल रहे हैं तो दूसरी पार्टी को ऑब्लिगेशन होगा. तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इम्पोज करने वाला एक डॉक्यूमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जिसमें जो भाई इन्यूमरेबल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया जाता है आज के दिन, आज की डेट पर आई मीन. चलिए, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, इन्यूमरेबल नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर इनटू बाय द पार्टीज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन देयर बिजनेस. सो इन एवरी काइंड ऑफ बिजनेस, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस, आप एक इंश्योरेंस कंपनी से अपना लाइफ इंश्योरेंस भी ले रहे हो, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट.
आप उस पर साइन करते हो ना, आई एक्सेप्ट ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशंस, और आप कहाँ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, आप किसी सोशल मीडिया पे अपना जो है अकाउंट बनाने जाते हो, नीचे में लिखा होता है कि प्लीज़ टिक, यहाँ पर टिक कर दो दैट आई अग्री ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसा कुछ लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस करके, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पर आप सिर्फ माउस को क्लिक करके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह जो हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट के क्या बन जाते हैं, कोविनेंट्स बन जाते हैं, या कह लो आप कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस बन जाते हैं। हाँ जी, तो आप जाने अनजाने में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ इन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट। हाउ इज दिस ब्रांच ऑफ लॉ डिफरेंट, कि भाई यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट, देखो जी बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें आपको राइट्स एंड ड्यूटीज़ पता चल रही हैं, आपने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, LLP पढ़ लिया, आपने देखा कि भाई पार्टनर ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, डिसिग्नेटेड पार्टनर अगर अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। कंपनीज एक्ट में भी आपको कुछ चीज़ें बता रखी हैं जो कंपनीज ने करनी होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ लाइक डिफाइनिंग, वो बता रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ने अगर जन्म लेना है तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ इतना ही है मैम 90 pages में, हाँ सॉर्ट ऑफ इतना ही है। चलो देखते हैं। दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ इन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट, इट डज नॉट प्रेस्क्राइब सो मेनी राइट्स एंड ड्यूटीज विच द लॉ विल प्रोटेक्ट और इन्फोर्स। आपको कोई राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं बताता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप एंटर कर रहे हो तो ये सारे राइट्स हैं आपके पास, नहीं। वो तो आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बताएगा, जहाँ पर आप गुड्स जो है वो खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ करते हो तो एज अ सेलर आपके पास क्या राइट है, एज अ बायर आपके पास क्या राइट है, ये सब वो बताता है। ये सारे जो आपके बाकी के चारों एक्ट्स हैं उसमें आपको राइट्स एंड ड्यूटीज वगैरह बात करता है, नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ लिमिटिंग प्रिंसिपल्स सब्जेक्ट टू विच द पार्टी मे क्रिएट राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर themselves। तो ये एक्ट आपको बताएगा कि ऐसे कौन से सिद्धांत हैं, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे कौन सी बातें हैं जिनको आपको मानना पड़ेगा सो दैट यू कैन क्रिएट लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। अच्छा मान लो कि आपको किसी ने, आपके किसी दोस्त ने कहा कि भाई तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, ठीक है, आपसे ऑटोग्राफ ले लिया एक खाली पन्ने पे, आप भी खुश हो गए, भाई मैं तो सेलिब्रिटी की तरह फील कर रहा हूँ, चलो ऑटोग्राफ दे देता हूँ इसको, मेरा दोस्ती तो है, ऑटोग्राफ आपका ले लिया। फिर उसके ऊपर उसने बाद में आपकी जानकारी के बगैर उस पर लिख दिया कि मैं जो है प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने दोस्त को 1 crore rupees दूंगा, 1 lakh rupees दूंगा, 1 lakh rupees, 1 crore 1 lakh rupees दूंगा, ठीक है। अब आप नीचे आपके साइन है, यहाँ पर कुछ बात लिखी हुई है, सो अब आपको पता तो है नहीं कि ऐसा कुछ आपने प्रॉमिस में किसी के साथ एंटर किया हुआ है, किसी से कुछ वादा कर रखा है और इस लिखित कागजात पे आपके साइन भी हैं, ठीक है, आपको नहीं पता। तो क्या जो आपका दोस्त है जिसने आपसे साइन करवा लिया बिना कुछ बताए और उसने कुछ लिख दिया यहाँ पर, विल ही बी एबल टू एनफोर्स दिस पीस ऑफ पेपर इन लॉ? क्या वो कोर्ट में इस पीस ऑफ पेपर को दिखा के आपसे 1 lakh rupees वसूल कर सकता है? और अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? क्या आपको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत है या फिर उसको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? क्या ये अग्रीमेंट बनेगा? ये क्या है? क्या ये एक महज कागज़ का टुकड़ा है? ये क्या है? ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज़ में, टीवी सीरियल्स में कि भाई लोग जो होते हैं वो लोगों से, दूसरे लोगों से साइन करवा लेते हैं, ठीक है, कि भाई ऐसे कुछ नोटिस वगैरह रखी थी उसके नीचे में ज़मीन के कागजात रख दिए, तो यहाँ पे साइन करते करते इधर भी साइन कर दिया, ज़मीन हो गई किसी और के नाम पे। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर भूल चूक से किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर दे तो उस डॉक्यूमेंट को लीगली जो है एनफोर्स किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, यही सब चीज़ें हम जानने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से, ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं वैसे तो। चलिए, सो एक्ट बेसिकली आइडेंटिफाइज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ लीगली एनफोर्सेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल जो है, जो लॉ पे एनफोर्स किया जा सके, जिसका जो है वैलिडिटी हो लॉ में, उसके इंग्रेडिएंट्स हम देखने वाले हैं बनता कैसे है भाई, ठीक है। इन एडिशन टू डीलिंग विद सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स लाइक इंडेमनिटी क्या होता है, गारंटी क्या होता है, बेलमेंट जो है वो अब नहीं है, अवेलमेंट प्लज हट चुका है आपके सिलेबस से,
सो लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बेलमेंट बताऊंगी ज़रूर, बिकॉज इट हैज़ बीन द वर्ड हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली नॉट ओनली दिस एक्ट, नॉट ओनली इन दिस एक्ट बट इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एज वेल. तो ये सब आप कौसी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जानोगे, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं वो जानोगे, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स हैं, ये सब आपको पता चलेगा और आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी, बहुत ही परम आनंद की प्राप्ति होगी. चलिए जी, सो ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट स्टडीड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज सम ऑफ दोज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. सो एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए किस अग्नि परीक्षा से पास करना पड़ता है वो हम देखेंगे. तो सारे अग्रीमेंट्स को हम नहीं पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं विच हैज़ बिन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच. ठीक है, देखेंगे अभी आने वाला है. ओनली दोज अग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सेबल बाई लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. दिस यूनिट रेफर्स टू द एसेंशियल्स ऑफ अ लीगली एन्फोर्सेबल अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट. लॉ में एनफोर्स हो सके, जो कोर्ट में मुकदमा कर सको, जिसके बेसिस पे जज साहब जिसको मान लें कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट है, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उसके मेन इन्ग्रीडियंट्स क्या होने चाहिए, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए. इट सेट्स आउट रूल्स फॉर दी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन देयर ऑफ. छोड़ो ये सब मत पढ़ो, आगे बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. अभी आप इतने भारी भरकम शब्दों पढ़ेंगे, रेवोकेशन क्या होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है, आप कन्फ्यूज हो जाओगे. नहीं नहीं चलो जी, सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज़, तो मैं आपको ऑलरेडी बेसिक बता चुकी हूँ. एक कागज़ का टुकड़ा है भाई, जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लोगों पे इम्पोज करता है और उसको लॉ ने भी मान लिया है कि हाँ यदि इसमें कोई बात लिखी हुई है और उसमें पार्टीज़ के हस्ताक्षर हैं, साइन है, या फिर पार्टीज़ ने उसको अग्री कर रखा है, तो ठीक है, हम भी मानते हैं कि पार्टीज़ ने किसी अग्रीमेंट में एंटर किया था और इसको हम लीगल एनफोर्सेबिलिटी दे देते हैं, एक लीगल सैंक्टिटी दे देते हैं, एक लॉ का जो आशीर्वाद है उसको प्रदान कर देते हैं कि भाई इस कागज़ के टुकड़े को आप कहीं पर भी ले जाओगे, किसी भी कोर्ट में दिखाओगे, वो कहेगा कि हाँ एनफोर्सेबल है. ठीक है, तो उस अग्नि परीक्षा से पास होने के लिए एक अग्रीमेंट ने क्या करना पड़ता है, दो चीज़ें आपको बताई गई हैं. सेक्शन 2 सब क्लॉज एच सेज अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट. अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है सबसे पहले तो अग्रीमेंट होना चाहिए, एंड इट शुड बी अग्रीमेंट, इट शुड बी एनफोर्सेबल इन लॉ, एनफोर्सेबल इन लॉ. वाओ, बस डेफिनेशन आपकी खत्म हो गई, यही है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, कि कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल इन लॉ. अरे मैम, अब तो अनफोर्सेबिलिटी हमको कैसे पता चलेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अग्रीमेंट एनफोर्सेबल इन लॉ होता है. अच्छा, अग्रीमेंट आपको पता है क्या? नहीं नहीं, आपको नहीं पता, आपने सिर्फ उसको सुन रखा है इधर उधर, आपको तो अभी अग्रीमेंट भी नहीं पता, आपको तो एनफोर्सेबिलिटी भी नहीं पता. लेकिन हम थोड़ा सा इन्वर्टेड पिरामिड शेप में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर अंदर जाएंगे. चलो, नाउ द फर्स्ट एलिमेंट विच इज अग्रीमेंट, इट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, नॉट सबसेक्शन बट इट इज क्लॉज 2 क्लॉज ई में आपका डिफाइंड है, कि कहता है, अब क्या कहता है, देखो जी, अग्रीमेंट, हम सब अग्रीमेंट पढ़ने वाले हैं, अभी आप सब कुछ भूल जाओ, बस ध्यान दो कि अग्रीमेंट क्या होता है, 2 क्लॉज ई. ठीक है, तो आपके हिसाब से अग्रीमेंट क्या होना चाहिए, अग्री करना, मतलब किसी की बात पर हामी भरना. ठीक है, अप्रूवल देना, ऐसा बोल सकते हैं हम कि भाई हमने, इन्होंने कुछ बात बोली और हमने कुछ बात बोली, हमारी बात पे ये अग्री किए और इनकी बात पे हम अग्री किए, तो हम लोग अग्रीमेंट में आ चुके हैं. ठीक है, ऐसा कुछ समझ सकते हो? बिल्कुल. तो भाई यहाँ पर आपको सिंपल सा एक चीज़ बोलता है, कहता है कि एवरी प्रॉमिस. अब हम यहाँ पे सिर्फ अग्री करने से तो काम चलेगा नहीं, कि भाई भाई बहन का झगड़ा हो रहा है और इन्होंने अग्री कर लिया, भाई ने अग्री कर लिया कि मैं तुमको जो है 5 चॉकलेट्स दूंगा, बहन ने अग्री कर लिया कि मैं तेरे को तेरी शिकायत मम्मी से नहीं करूँगी, ऐसा तो कुछ है नहीं. ठीक है, यहाँ पर हम बिज़नेस रिलेशनशिप्स की बात करने वाले हैं. ठीक है, तो वहाँ पर मान लीजिए कि एक कंपनी है, एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी है, अगर ये लोग कोई ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, किसी अग्रीमेंट में एंटर करने वाले हैं, तो कुछ कंपनी इसके लिए करने वाली होगी, ये व्यक्ति कुछ कंपनी के लिए करने वाला होगा, तो उस कुछ करने को हम वादा बोलेंगे, प्रॉमिस. ठीक है, तो आपका 2E डिफाइन करता है अग्रीमेंट को, दैट एवरी प्रॉमिस
और सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक से अधिक भी हो सकते हैं ना सेट ऑफ प्रोमिसेस, फॉर्मिंग कंसीडरेशन ऑफ ईच अदर. कंसीडरेशन नया शब्द आ गया. अभी वैसे आपको प्रॉमिस बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन प्रॉमिस को भी इस एक्ट में डिफाइन किया गया है, अभी हम पढ़ने वाले हैं 2 मिनट में. चलिए, तो कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, क्विड, चलो मैं अच्छे से लिख देती हूँ, क्विड प्रो क्वो, PROQUO, क्विड प्रो क्वो. इट इज़ द लैटिन मैक्सिम. आपको बहुत सारे लैटिन मैक्सिम्स मिलने वाले हैं, ठीक है? इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या. तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई वादा करता है और उस वादे के बदले में उसको कुछ वादा मिलता है, देन वी कॉल दोज प्रोमिसेज एज एन अग्रीमेंट. ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये सब नहीं बोला है कि अग्रीमेंट लिखा होना चाहिए, कि मुंह से बोला होना चाहिए, कि एक्ट के थ्रू होना चाहिए, कुछ भी इस बात से मतलब नहीं है. फिलहाल आप सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन देख रहे हो अग्रीमेंट की, विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. और आपसे सिर्फ इतना कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एन अग्रीमेंट इज वॉट? एन अग्रीमेंट इज एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेज फॉर्मिंग दी कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. एक दूसरे का कंसिडरेशन बने. यदि हमने आपसे कोई वादा किया है, आपने भी हमसे कोई वादा कर दिया, तो आपका वादा मेरे वादे का कंसिडरेशन है. समथिंग इन रिटर्न मेरे को मिल रहा है फॉर माई प्रोमिस. मेरे प्रोमिस करने के बदले में मुझे कुछ समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है, और आपके प्रोमिस करने के बदले में आपको कुछ समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है. सो वेन द प्रोमिसज आर फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम कर दें, उसको हम कहते हैं अग्रीमेंट. ठीक है, अब कंसिडरेशन वर्ड जो है उस पर तो आपको पूरा एक यूनिट है. आप कंसिडरेशन को बहुत ही इलाबोरेट वे में पढ़ोगे कि हम कब मानते हैं कि कौन सा वादा, एक वादे के लिए कंसिडरेशन बनता है, कैसे नहीं बनता, वो सब आप लोग पढ़ोगे. अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अभी आपने क्या दो चीज़ें पढ़ी? आपने पहले देखा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. इट इज़ एन अग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल इन लॉ. दो जो आपके एसेंशियल्स हैं उनका होना ज़रूरी है. पहला अग्रीमेंट होना चाहिए और उसकी एनफोर्सेबिलिटी लॉ में होनी चाहिए. तो देख लेते हैं अग्रीमेंट क्या होता है. सेक्शन 2 क्लॉज ई सेज दैट एन अग्रीमेंट इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग दी कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. एक दूसरे की कंसिडरेशन बने. कंसिडरेशन मीन्स मैं आपको बता चुकी हूँ समथिंग इन रिटर्न, जब हम कोई कार्य कर रहे हैं उसके बदले में क्या. ठीक है, मुफ्त वाला काम नहीं हो रहा है यहाँ पे. समथिंग इन रिटर्न मिलना ही चाहिए. अच्छा जी, मतलब ऐसा कोई अग्रीमेंट जहाँ पर हम एक व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तेरे को 500 रुपये गिफ्ट दूंगा और मैं आपसे तुमसे कुछ नहीं लूँगा. ठीक है, या फिर मैंने एक जो गरीब इंसान है, एक बेगर है, भिखारी, उसको हमने 10 रुपये दे दिए. ठीक, क्या ये अग्रीमेंट बनेगा? नहीं जी, नहीं, ये अग्रीमेंट नहीं बनेगा. गिफ्ट हम किसी को दे रहे हैं, क्या वो अग्रीमेंट बनेगा? चलो ठीक है, वो सब हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझो, देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न ऑलवेज. चलो, टू हैव इनसाइट्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ अग्रीमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉमिस. प्रॉमिस शब्द का इस्तेमाल हुआ था, आप समझ गए. प्रॉमिस मतलब तो वायदा होता है, हमने पढ़ रखा है, हमने तो बहुत सारे वायदे तोड़े हैं. आए दिन हम अपने मम्मी पापा से वायदे करते रहते हैं कि भाई ये करेंगे, वो करेंगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते रहते हैं, हम तो खूब तोड़ते हैं, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या होता है. नहीं जी, नहीं, नहीं पता आपको. चलो जी, अब आ जाओ, भूल जाओ जो अभी तक पता था, और हम देख लेते हैं सेक्शन 2B जो कहता है कि प्रॉमिस क्या है. वादा क्या है? वादा ना तोड़. सेक्शन 2 क्लॉज बी, व्हेन अ पर्सन मेक्स अ प्रपोजल टू समवन. ठीक है, अब वादा क्या है ये बात हो रही है. आपने जो है किसी को प्रपोजल दिया. अब प्रपोज करने का मतलब घुटनों पे बैठ के हाथ में गुलाब लेने वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे. प्रपोजल मीन्स ऑफर, कुछ ऑफर करना, प्रपोजल या ऑफर. ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को कोई प्रपोजल दिया, कुछ ऑफर दिया. ठीक है, मान लीजिए आपने अपनी माताजी से कहा कि माताजी क्या मैं आपके पैर दबा दूं, एंड द ऑफरी, जिस व्यक्ति को ऑफर किया गया है, दैट पर्सन सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू. अपनी असेंट मतलब हामी,
भर दे, ठीक है, आपके इस ऑफर पर, आपके इस प्रपोजल पर। जिस क्षण दिस प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, एज एंड व्हेन द प्रपोजल और द ऑफर इज एक्सेप्टेड, वी कॉल दैट ऑफर अ प्रॉमिस। एज सून एज द ऑफर इज एक्सेप्टेड वी कॉल इट अ प्रॉमिस, ठीक है। सो हमें यहाँ पर पर्पस क्या है प्रॉमिस का, वी हैव टू सीक द असेंट, पॉजिटिव कॉन्सेंट ऑफ द ऑफरी। ऑफर करने वाला व्यक्ति कौन? ऑफरर। जिसको ऑफर किया जा रहा है वो कौन? ऑफरी। अब आप ये मत बोलना मैम यहाँ पर तो समथिंग इन रिटर्न है ही नहीं। बेटा हम अग्रीमेंट की डेफिनेशन नहीं देख रहे, हम प्रॉमिस की डेफिनेशन देख रहे हैं। तो वादा तो एक तरफ से ही देखेंगे ना, कि अगर मैंने आपसे कोई वादा किया है तो उसकी डेफिनेशन क्या है। मैंने आपसे वादा किया है उसकी डेफिनेशन ये है कि मैंने आपको कोई ऑफर किया, कोई प्रपोजल दिया और आपने उसमें अपनी हामी भर दी कि ठीक है। जैसे ही आपने हामी भरी वो मेरे पार्ट पर ऑफरर के पार्ट पर वादा बन जाता है। जैसे ही आपने अपनी माताजी से पूछा क्या माताजी मैं आपके पैर दबा दूं, और माताजी ने बोला हाँ, उसी क्षण आपका जो ऑफर है वो बन जाता है प्रॉमिस। अब आपको पैर दबाने ही पड़ेंगे नहीं तो फिर पिटाई हो जाएगी। तो अब देखो, अब मैं आपको डोमेस्टिक एग्जांपल्स दे रही हूँ, ऑल्दो बट दीज डोमेस्टिक एग्जांपल्स और दीज सोशल एग्जांपल्स हैव नो रेलेवेंस इन दिस चैप्टर। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ कि जी सोशल आपके ऑफर्स हैं या प्रॉमिसेस हैं उनको हम क्यों एज एग्जांपल्स नहीं कंसीडर करेंगे? इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि बेटा आपने ये देखा कि अग्रीमेंट कैसे बनता है, व्हेन प्रॉमिसेस फॉर्म कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। तो भाई प्रॉमिस से बनता है अग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इन लॉ से बनता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ये चेंज चल रही है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आपका असल में एनफोर्सेबल इन लॉ होता है, एनफोर्सेबल इन लॉ है, ठीक। सो फॉर एनफोर्सेबिलिटी इन लॉ, आर यू ट्राइंग टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स विद योर फैमिली मेम्बर्स जहाँ पर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं? नो। तो वहीं पर ये चीज़ जो है वो इनवैलिड हो जाती है और आपके जो सोशल अग्रीमेंट्स हैं दे कैन नेवर बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन लॉ। एनफोर्सेबिलिटी इन लॉ का मतलब है कि भाई लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, कानूनी रिश्ता होना चाहिए कुछ। जैसे कि एक कानूनी रिश्ते का एग्जांपल दीजिए भाई, लेंडर एंड बोरोअर। लेंडर कौन होता है? जो लोन देता है। बोरोअर कौन होता है? जो लोन लेता है। ये एक लीगल रिश्ता है, बेलर बेली। बेलमेंट आपने नहीं पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, बेलर बेली, ठीक है। ये सब आपके लीगल रिश्ते हैं, कानूनी रिश्ते हैं, ठीक है। नेचुरल जो लव एंड अफेक्शन है उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका वैलिड नहीं होता है, अनलेस सम कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। क्यों भाई? बाप बेटे आप आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते क्या? करते हैं। उसके लिए कुछ आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो आप आगे जाके पढ़ोगे। फिलहाल आप ये मान के चलोगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स नेवर बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम डोमेस्टिक एग्जांपल्स को सिर्फ एक समझने के तौर पे समझेंगे और इसको आप कभी अपने पेपर में कोट नहीं करोगे। चलिए, सेक्शन 2 भी डिफाइंस प्रॉमिस एज। प्रॉमिस क्या है देख लिया हमने। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया है, मतलब ऑफरी जिसको ऑफर किया गया है कुछ, ठीक है। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, सिग्नल दे दे कि हाँ मुझे ये ऑफर कबूल है, मुझे ये प्रस्ताव जो है वो मंजूर है, ऐसा कुछ अपना असेंट दे दे। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। सो द फॉलोइंग पॉइंट्स एमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। क्या पॉइंट्स हैं? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिस व्यक्ति को प्रपोजल जो है वो किया जा रहा है, ही सिग्निफाइज हिज असेंट ऑन दैट प्रपोजल, अपनी हामी भर देता है, विच इज मेड टू हिम। द प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड, और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, एक्सेप्टेड प्रपोजल, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो आपको आई होप प्रॉमिस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, अग्रीमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पर कहता है अग्रीमेंट कुछ नहीं है, एक ऑफर प्रपोजल है और उसका एक्सेप्टेंस हो गया, वो बन गया प्रॉमिस, और प्रॉमिस में हमने लगा दिया कंसिडरेशन का तड़का, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो हमारा बन जाता है अग्रीमेंट, ठीक है। इतना हमने अभी तक देखा है।
सेकंड इंग्रेडिएंट जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. इसका क्या मतलब है? एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स अ ड्यूटी विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. एनीथिंग विच गिव्स अ लीगल ऑब्लिगेशन एक कानूनी दायित्व प्रदान करे. ठीक है, अब कठिन हो गया थोड़ा ज़्यादा आपके लिए. बस इतना आप समझो कि जिसके साथ भी आप वादा कर रहे हो, जिसके साथ भी आप कंसिडरेशन जो है ले रहे हो वादे की, इट शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ इम्पोजिंग एन ऑब्लिगेशन. सामने वाले व्यक्ति पे लाइबिलिटी क्रिएट करने का जो है इंटेंशन होना चाहिए. और ऑब्वियसली आप सामने वाले व्यक्ति में बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि एक पार्टी जो है उसका राइट होगा, दूसरी पार्टी को ऑब्लिगेशन होगा. नहीं, दोनों ही पार्टी के राइट्स होते हैं. आपका वादा जो है वो पूरा करवाने के लिए इनका राइट होगा, इनका वादा पूरा करवाने के लिए आपका राइट होगा. अपना वादा पूरा करने के लिए आपका लाइबिलिटी है, अपना वादा पूरा करना है ऑब्लिगेशन है, और इन्होंने अपना वादा पूरा करना है वो उनका ऑब्लिगेशन है. दोनों ही पार्टीज़ के पास ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, राइट्स भी होते हैं. दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इक्वल पोजीशन पे स्टैंड करती हैं एक तरीके से. कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, एक्सेप्शनल कंडीशंस हम बाद में देखेंगे, अभी जनरल चीज़ें पढ़ रहे हैं, जनरल चीज़ें देखते जाते हैं. चलो, सो दस फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक्सेप्टेड प्रपोजल. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. प्रॉमिस every set of promises forming consideration for each other become agreement and enforceability of law. ठीक है, on elaborating the above two concepts it is obvious that contracts comprises of an agreement which is a promise or a set of reciprocal promises. reciprocal मतलब आपस में जो भाई इसके बदले में, एक promise के बदले में जो मिले उसको हम reciprocal promise बोलते हैं. That a promise is the acceptance of a proposal giving rise to a binding contract. बाध्य कर देने वाला. बाध्य कर देने वाला मतलब कि यदि आपने किसी व्यक्ति से कोई प्रॉमिस किया हुआ है, सामने वाले व्यक्ति ने भी आपसे प्रॉमिस कर दिया, एंड बोथ द प्रोमिसज आर फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एंड देयर इज एन इंटेंशन. आपका इंटेंशन जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का है. इन दैट केस यू आर बाउंड, यू आर बाउंड टू फुलफिल योर प्रोमिस. ठीक है, एग्जाम्पल दूँ? हाँ, देखो जी, ये सप्लायर है और मैं हूँ एक कंपनी जिसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है. मैंने अपने सप्लायर से बोला कि भाई मेरे को इमीडिएटली रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तू 50 क्विंटल जो है वो भिजवा दे. वीट मान लो, वीट मेरे को चाहिए, मैं ब्रेड की कंपनी हूँ, मेरे को 50 क्विंटल वीट चाहिए, तुरंत भिजवा दे. अच्छा, तो सप्लायर बोलता है कि ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको 50 क्विंटल वीट जो है वो भिजवाऊँगा. प्रॉमिस हो गया. अब मेरे प्रॉमिस के बदले में मुझे क्या मिलेगा? कंपनी कहती है मैं तेरे को प्राइस दूंगी, जो भी तेरे वीट का जो भी प्राइस है. वो कहती है ठीक है, 50 रुपये किलो, 50 रुपये किलो प्राइस है, उसके हिसाब से मैं चार्ज करूँगा सप्लायर जो है वो बोलता है. कंपनी कहती है ओके डन. कंपनी ने प्रॉमिस क्या किया कि वो पैसे देगी, सप्लायर ने प्रॉमिस क्या किया कि वो वीट देगा. नाउ एक्चुअली में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, किसी भी कागज़ के टुकड़े पे कोई भी साइन नहीं हुआ है. सो विल दिस बी एनफोर्सेबल? अभी तक की रीडिंग में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं पे लिखित होने की बात, कंडीशन नहीं थी. देयर वॉज नो कंडीशन दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिटन. सो अभी तक की रीडिंग में आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सेबल हो जाएगा, एंड द कंपनी इज बाउंड टू पे द मनी, एंड द सप्लायर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द कंपनी. ठीक है, दिस विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज़ एन अग्रीमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोमिसज, प्रोमिसज आर फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इट इज़ एनफोर्सेबल इन लॉ बिकॉज देयर इज़ अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. ठीक है, इतना आप समझ गए. चलो, further section 2H requires an agreement to be worthy of being enforceable by law before it can be called a contract. Where parties have made a binding contract, they create rights and obligations between themselves. Example हम देख लेते हैं. A agrees, अभी agreement हो रहा है, with B to sell his car for rupees 2 lakhs. Here A is under an obligation to give the car to B and B is under the right to receive the car. ए का जो दायित्व है, ऑब्लिगेशन है, वो क्या है कि ए ने पैसे देने हैं बी को 2 लाख रुपए. बी का अधिकार क्या है, राइट क्या है बी का, दैट ही विल रिसीव द कार. लेकिन ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, सॉरी ये प्रॉमिस जो है वो अग्रीमेंट कब बनेगा, व्हेन देयर इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस एज वेल. रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है, 2 लाख रुपए जो है वो
देना फ्रॉम बी टू ए, तो बी जो है वो कार के बदले में 2 लाख रुपए भी देगा. सो बी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे रुपीज 2 लाख एंड ए इज हैविंग द राइट टू रिसीव 2 लाख रुपीज फॉर हिज कार. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. एक व्यक्ति ने प्रॉमिस किया है कार देने के लिए, दूसरे व्यक्ति ने प्रॉमिस किया है 2 लाख रुपए देने के लिए. दीज प्रोमिसेस आर फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, समथिंग इन रिटर्न. ठीक है, समथिंग लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भाई कार जो है वो 10 लाख की है तो 2 लाख में क्यों दे रहा है. एडिक्वेसी वाली बात नहीं करी गई है यहाँ पे कि भाई जो रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है ना, वो एडिक्वेट होना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं बोला आपसे. तो अभी आप ये समझो कि कार 2 करोड़ की हो चाहे 50 करोड़ की, 2 लाख रुपए भी दे रहा है, और अगर ए को मंजूर है, कार के ओनर को मंजूर है, तो दिस विल बिकम एन अग्रीमेंट. ठीक है, नाउ सो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशंस व्हिच हैज रिजल्टेड फ्रॉम अग्रीमेंट. सो अग्रीमेंट इज द बेसिक थिंग विच मस्ट कम इन टू एग्जिस्टेंस बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट कैन कम इन टू एग्जिस्टेंस. सच ऑब्लिगेशन मस्ट बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होना चाहिए. हाउ एवर सम ऑब्लिगेशंस आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि आपके कुछ जो चीज़ें हैं उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो स्कोप है उससे बाहर कर दिया गया है. ऐसा क्यों है? बिकॉज दोज आर योर लीगल ऑब्लिगेशंस, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है जनरली. जैसे कि एग्जाम्पल, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन. डिवोर्स के बाद वाइफ एंड चिल्ड्रन को मेंटेन करना होता है, वो अलीमनी वाली चीज़ भी है. इवन इफ डिवोर्स हैज नॉट हैपेंड, इवन देन देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द वाइफ एंड चिल्ड्रन. ठीक है, तो पैसे देने पड़ते हैं एक हस्बैंड को अगर वो बीवी को छोड़ देता है, तो डिवोर्स हो जाता है. तो दीज आर ऑल लीगल ऑब्लिगेशंस, इसके बदले में आपको कुछ मिलता नहीं है. देर इज नो रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच यू आर गेटिंग, रेसिप्रोकल प्रॉमिस. तो ये जो आपका है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कवरेज क्षेत्र से बाहर है. हाँ चलिए, तो और कोई एग्जांपल आप दो, जैसे कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. आपको किसी का पर्स मिल गया, ज़मीन पे गिरा हुआ, उसमें पैसे हैं. ठीक है, तो आपको वो पर्स जो है वो रिटर्न करना होता है, लीगली रिटर्न करना होता है. द ओनर ऑफ द पर्स, जब ओनर आपके पास आएगा तो वो आपको पर्स जो है वो आपसे मांगेगा और आपको उसको वापस देना पड़ेगा. तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया मेरे प्रॉमिस का समथिंग इन रिटर्न क्या मिलेगा मुझे, कुछ नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, आपकी आपका लीगल ऑब्लिगेशन है, आपका मॉरल ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन भी है कि आप जो है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो और आपको ट्रू ओनर को रिटर्न करना ही चाहिए. दैट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड अंडर, पर्टिकुलरली अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी की बेसिक रीडिंग के हिसाब से. सम एक्सेप्शंस आर देयर एंड वील रीड देम लेटर. अभी आप क्या समझे कि प्रपोजल कुछ किया गया, ठीक है, कोई ऑफर या प्रपोजल किया गया, उसका एक्सेप्टेंस हो गया. व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस. सो इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, प्रॉमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ, चलो ठीक से बोलती हूँ मैं, सेक्शन 2 क्लॉज ई विच डिफाइंस अग्रीमेंट्स एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. कंसिडरेशन बन गए, देन दे बिकम एन अग्रीमेंट. अग्रीमेंट बन गए और इस पर हमने दे दिया लीगल एनफोर्सिबिलिटी. आपका प्रॉमिस किस में था, टू बी, लीगल एनफोर्सिबिलिटी हो गई और फिर ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपका डिफाइंड है 2 क्लॉज H में. चलो अब हम देख लेते हैं फटाफट, डिफरेंस देख लेते हैं अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है. तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि भाई सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते, सारे अग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, क्योंकि कुछ कुछ अग्रीमेंट्स में लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती है. ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए हो बेसिक चीज़. मीनिंग वगैरह देख लेते हैं. मीनिंग में कुछ नहीं है, आपको डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2E और सेक्शन 2H वाली डेफिनेशन. यहाँ पर सेक्शन 2E में बताता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. सो ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए. प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है वो बन जाता है प्रॉमिस. प्रॉमिसेस आपस में एक दूसरे के कंसिडरेशन बन जाए, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्वो बन जाए, वो अग्रीमेंट बन जाता है, अग्रीमेंट का रूप ले लेता है. वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इट इज़ एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाई लॉ. चलिए, स्कोप. स्कोप मतलब कितने हाथ पैर फैला सकता है अग्रीमेंट, कहाँ तक. अग्रीमेंट का स्कोप ज़्यादा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप ज़्यादा है? बेटा अग्रीमेंट का स्कोप ज़्यादा है, बिकॉज इट इंक्लूड्स सोशल अग्रीमेंट्स एज वेल. इट इज़ अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स लीगल अग्रीमेंट्स, सोशल अग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स. किसी भी तरीके के अग्रीमेंट्स को आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो. लीगली एनफोर्सेबल नहीं भी है तब भी अग्रीमेंट तो है ना. हाँ
चलो, इट इज़ यूज्ड इन अ नैरो सेंस विद द स्पेसिफिकेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली एनफोर्सेबल अग्रीमेंट. सो सिर्फ लीगल अग्रीमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले पाएंगे. सो इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट. लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं क्या अग्रीमेंट्स? कोई ज़रूरी नहीं है. इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस. एन अग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज grants rights to the parties. It not all हमेशा जो है वो parties को rights और किसी और party को obligation जो है वो impose नहीं करेगा agreement, ठीक है. लेकिन contract में तो ये चीज़ mandatory है ना. Contract should create legal obligations, only then it will be enforceable in law, ठीक है. जहाँ पर legal obligations नहीं है, जहाँ पर एक party ने जो है कोई दायित्व नहीं है किसी दूसरी party के प्रति, कोई liability नहीं है, कोई दूसरी पार्टी का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है, इट विल नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट एंड दस इट वॉन्ट बी कवर्ड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है, समझ गए? हाँ जी. नेचर क्या होता है? ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते क्योंकि सब में लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती है. वेयर एज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स. ये अग्रीमेंट होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. हाँ, इतना तो आप लोग समझ गए हो, बहुत होशियार बच्चे हो. आ जाते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में. व्हाट आर द एसेंशियल्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू वैलिडेट अ कॉन्ट्रैक्ट, टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, ठीक है. तो आपको दो जो है यहाँ पर दो पार्ट्स में आपको डिफाइन बताया गया है कि भाई, एक तो सेक्शन 10 में आपका डिफाइंड है कुछ एसेंशियल्स जो आपके सेक्शन 10 में बता रखे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए तो ही कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा. उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जनरल टर्म्स में जो आप देखोगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें तो होना मैंडेटरी है, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, अग्रीमेंट भी नहीं बन पाए शायद, ठीक है. चलो, सेक्शन 10 का जो आपका लाइन लिखा हुआ है, द एग्जैक्ट वर्डिंग्स ऑफ द सेक्शन 10, मैं उसको रीड कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत. चलिए, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स. अभी बोलता है ऑल अग्रीमेंट्स ऑफ द आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ, क्या कंडीशन लगा दी? दे आर मेड बाय फ्री कॉन्सेंट. फ्री कॉन्सेंट क्या होता है? फ्री मतलब बिना किसी दबाव के, ठीक है, बिना किसी प्रेशर, फोर्स या दबाव के. आपने फ्री होकर बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में, समझ रहे हो आप, कि मतलब मैंने एक जो मेरे इच्छा है, वॉलंटरिली मैं एंटर कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट में, दैट वुड बी फ्री. आई वुड बी फ्री. आई एम इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन समथिंग, आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी एक्सटर्नल फोर्स. मेरे को कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है, मेरे सर पे तमंचा रख के ये नहीं बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चल, ठीक है, समझ रहे हो ना. तो जहाँ पर मैं फ्री हूँ, मैं किसी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं हूँ, दैट विल बी फ्री कॉन्सेंट. जहाँ पर कोई व्यक्ति फ्री कॉन्सेंट दे रहा है. ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हम देखेंगे कि सारी पार्टीज, सारे व्यक्ति, जैसे जानवर है, क्या जानवर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है, तो इट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक. उसके अलावा एक छोटा बच्चा, क्या छोटा बच्चा है, मान लीजिए कि उसको इनहेरिटेंस के थ्रू, जैसे कि जो एल्डर्स हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके नाम पर प्रॉपर्टी हो जाती है, उनको एक तरीके से इनहेरिट कर लेते हैं वो, ठीक है, इनहेरिटेंस के थ्रू प्रॉपर्टी मिल गई, क्या वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन पाएगा? क्या वो किसी को वो प्रॉपर्टी बेच पाएगा, ठीक है, और किस उम्र तक बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा, ये सब हम देखेंगे. पार्टीज़ की कॉम्पिटेंसी क्या होती है? कोई एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, ठीक है, पागल सा है या फिर शराबी है, पूरे दिन नशे में रहता है, क्या हम उसको मानेंगे कि ही इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये सब हम देखेंगे कि भाई कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए पार्टी. तो अभी तक आपने क्या देखा कि अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाएंगे यदि पार्टीज़ का कॉन्सेंट फ्री है, उन्होंने बिना किसी दबाव में जो अपना अप्रूवल है वो दिया है, तथा पार्टीज़ जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन आप समझ चुके हो, समथिंग इन रिटर्न. चलिए, मैंने आपसे कहा कि मेरी चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक कंपनी ने बोला अपने सप्लायर से कि मेरे को रॉ मटेरियल भिजवा दे, ठीक है. सप्लायर ने बोला ओके, मेरे को क्या मिलेगा? समथिंग इन रिटर्न. क्विड प्रो क्वो. व्हाट इज़ द क्विड प्रो क्वो? कंपनी ने बोला
मैं तेरे को दूंगी रॉ मटेरियल के बदले में ड्रग्स, ठीक है, हेरोइन, ये ड्रग्स है, ठीक है, यही आपने सबसे ज़्यादा मूवीज़ वगैरह में सुन रखा है, इसीलिए मैंने इसी का एग्जांपल लिया, तो ड्रग्स देगा, तो क्या ये जो ये डेफिनेटली इट इज़ अ कंसिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है, कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ था कंसिडरेशन की डेफिनेशन में कि वो क्या चीज़ होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है समथिंग इन रिटर्न, तो समथिंग इन रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन सेक्शन 10 आपको रोक लगा देता है कि भाई जो कंसिडरेशन मिल रहा है इट शुड बी लॉफुल, इलीगल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज़ या सामान नहीं, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव, एम, व्हाट इज़ द एम ऑफ एंटरिंग इनटू द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में एंटर करने का जो ऑब्जेक्ट है, जो एम है, जो टारगेट है, इट शुड बी लॉफुल। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी ने एक सप्लायर से जो है वो रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल था आपका बारूद, अब जो सप्लायर है उसको क्या पता भाई, सप्लायर ने तो पैसे ले लिए, समथिंग इन रिटर्न भी उसको मिल गया, उसको क्या पता जो ये कंपनी है वो आतंकवादी संगठन का साथ दे रही है और इस बारूद का इस्तेमाल जो होगा वो उसके देश पे बम फोड़ने के लिए होगा, नहीं पता ना। सो द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट लॉफुल हियर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरिंग इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सप्लायर एंड द कंपनी इज़ अनलॉफुल, इज़ इलीगल, इज़ टेररिज्म, ठीक है। सो ये क्या ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट लॉफुल। सो ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। एक्सप्रेस करना मतलब कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कि वॉइड है, ये कौन डिक्लेयर करता है, एक्ट इट सेल्फ, द एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेज कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें आप एंटर नहीं कर सकते, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें आप एंटर नहीं कर सकते, उनको एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हैं, जैसे कि अग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रेंट मतलब रोकना, RE, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इस तरीके का अग्रीमेंट जो होता है इसको एक्ट ने बोल दिया कि दीज आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, भले ही इसमें सारे अदर एसेंशियल्स आर सैटिस्फाइड, अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कॉन्सेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, कॉम्पिटेंट पार्टीज है, सब कुछ सैटिस्फाई हो रहा है, लेकिन इफ द अग्रीमेंट इज इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इट इज डिक्लेयर टू बी वॉइड, वो कभी भी वैलिड अग्रीमेंट नहीं बन पाएगा। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है बेटा, हमने किसी से अग्रीमेंट कर लिया, हमने यहाँ पर हमारे समोसे की दुकान थी, हमने दूसरे व्यक्ति के साथ अग्रीमेंट कर लिया कि ये ले 2 लाख रुपये ले ले और यहाँ पर समोसे की दुकान मत खोलना इस गली में, तो हमने उसको काम करने से, ट्रेड करने से, धंधा करने से रोक दिया, ठीक है। इस तरीके के अग्रीमेंट्स को रोक दिया गया है, वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द एक्ट इटसेल्फ। सो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए विच हैज़ बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड अंडर दिस एक्ट। तो आपको सेक्शन 10 से ही बहुत सारे एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है, जो आपको यहाँ पर लिस्टेड भी हैं कि बाय सेक्शन 10 में हम देख लेते हैं कि भाई अग्रीमेंट होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है, फिर फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, किसी भी दबाव या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना करे, ठीक है, उसको बरगलाया ना जाए, उसके साथ फ्रॉड ना हो, कोई गलती ना हो, कोई कोअर्शन ना हो, कोई व्यक्ति उसके ऊपर जो है थ्रेट ना दे रहा हो कि मैं तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे मेरे कब्जे में हैं और तुम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर करोगे, तो इस तरीके की चीज़ ना हो। एंड नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसीज ऑफ द पार्टीज, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट या लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड दे आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड अंडर दिस एक्ट। ये सारी चीज़ें आपके जो आने वाले यूनिट्स हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको और डिस्क्राइब्ड हैं, आपको बहुत इलाबोरेटली वहाँ पर समझ में आएगा, इसीलिए वॉट आई विल डू हियर इज़ अ क्विक रीडिंग, जो आपको थोड़ा सा दिया हुआ है नीचे हेडिंग्स में, थोड़ा बहुत टेक्स्ट है, आई विल डू द रीडिंग ऑफ इट एंड यू विल अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ इट। उसके पहले हम ये देख लेते हैं आपको कुछ कुछ और एसेंशियल दिए हुए हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जिनको डिस्क्राइब किया गया है कि सबसे पहला एसेंशियल है दो पार्टीज होनी चाहिए। आप खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो क्या? आपने एक हाथ से बोला, आपका जो एक हाथ है वो दूसरे हाथ से आपके बोल रहा है कि भाई चलो, वैसे मैं ये बहुत एक्टिंग और बढ़िया करती हूँ, आपको दिख नहीं रहा लेकिन आपको मज़ा आ जाता वरना एक्टिंग देख के। देखो ये आपका एक हाथ है, हाँ देखो कितना अच्छा बनाया मैंने, ये दूसरा हाथ है, ठीक है, ये वाला हाथ बोल रहा है इस हाथ से कि तू मेरा मसाज कर दे, मैं तेरे से प्रॉमिस, तो इसने बोला कि हाँ ठीक है ओके, इसने अपनी असेंट दे दी, कॉन्सेंट दे दी, बस प्रॉमिस बन गया ये कि ये वाला हाथ इसका मसाज करेगा। फिर कहता है कि भाई क्विड प्रो क्वो क्या है,
कंसिडरेशन क्या है बताओ भाई, हमको क्या मिलेगा समथिंग इन रिटर्न? ये कहता है मैं तेरा मसाज कर दूंगा। बोला ये प्रॉमिस भी हो गए, सेट ऑफ प्रॉमिसेस भी हो गए, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर भी हो रहा है, तो क्या चीज़ है जो इसको रोक रही है एक कॉन्ट्रैक्ट बनने से? इट इज़ एक्चुअली लीगल एनफोर्सेबिलिटी, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पर कोई, और यहाँ पर दो पार्टीज नहीं है। पहली बात तो आपके दोनों हाथ एक दूसरे में आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये तो मजाक वाली बात हो गई, चलो जी। लेकिन यहाँ पर आप इतना समझो कि जैसे कि आपने अभी तक पढ़ रखा है कि जो LLP होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो एक कंपनी होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो LLP इज़ केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, इज कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम, अ कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम, कैन सू एंड बी सूड, वेयर एज अ पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म होती है आपकी, इट इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो पार्टनरशिप फर्म के साथ क्या पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति नहीं हैं, पार्टनर्स को ही हम पार्टनरशिप फर्म बुलाते हैं। देयर इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, देयर इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन एग्जिस्टेंस। अगर कोई अलग व्यक्ति एक सेपरेट पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट किससे कर रहे हो आप? ठीक है, पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज़ नॉट अ सेपरेट पर्सन। तो पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनरशिप फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो, टू पार्टीज होनी चाहिए, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। दो अलग बुद्धियाँ चाहिए, दो अलग बुद्धिजीव चाहिए, दो अलग पार्टीज चाहिए टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी made by natural persons or by other persons having legal existence, for example companies, universities, LLPs. It is necessary to remember that the identity of the parties be ascertainable. तो आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा केस लॉ आपको दिया हुआ है, गुजरात वर्सेज रमन लाल सन्स एंड कंपनी का, जिसमें जो सेल्स टैक्स ऑफिसर होता है वो पार्टनरशिप फॉर्म है। चलो मैं आपको एक जगह पर अच्छे से बताती हूँ, पार्टनरशिप फॉर्म है, डिजोल्यूशन हो रहा है इसका, पार्टनरशिप फर्म इसका हो रहा है डिजोल्यूशन। तो डिजोल्यूशन के टाइम पे जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है वो पार्टनर्स में बांटी जाती है, ठीक है, तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो है वो पार्टनर्स में बंटने लगी। अब जो सेल्स टैक्स ऑफिसर हैं उसने कहा कि ये तो सेल्स ट्रांजैक्शन है, पार्टनरशिप फर्म इज द सेलर एंड द पार्टनर्स आर परचेजर्स बायर्स, इस पे तो हम सेल्स टैक्स लगाएंगे, ठीक है, रमनलाल सन्स एंड कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम है। क्या बताइए, इसमें सेल्स टैक्स लग सकता है? क्या ये सेल्स ट्रांजैक्शन है? क्या पार्टनरशिप फर्म सेलर है? क्या पार्टनर्स बायर्स हैं? बताइए आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, ये लोग सेलर्स और बायर्स नहीं हैं, पार्टनर्स जो थे वो उन्हीं की प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप फर्म की जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है वो असल में पार्टनर्स का ही जॉइंट एस्टेट होता है, पार्टनर्स का ही जॉइंट जायदाद होती है, जो उनकी जॉइंट मिली जुली जायदाद होती है। सो देयर इज नॉट अ सेल्स ट्रांजैक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एंड सेल्स टैक्स उस पर इम्पोज नहीं हो सकता। सो एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ है, टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी टू पार्टीज, सेलर एंड बायर, द सेलर एंड बायर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन्स। एक व्यक्ति जो है खुद को आप बेच सकते हो क्या कोई चीज़? नहीं बेच सकते, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज रमन लाल एस एन कंपनी, वेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप द एसेट्स ऑफ द फर्म वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, द सेल्स टैक्स ऑफिसर वॉन्टेड टू टैक्स दिस ट्रांजैक्शन, टैक्स करने की सोच रहा था। इट वॉज हेल्ड कब बोलते हैं? जब कोई कोर्ट वर्डिक्ट देता है, कोई भी कोर्ट जो होता है वो रूलिंग देता है, वर्डिक्ट देता है, उसको हम बोलते हैं इट वॉज हेल्ड, ऐसे लिखा जाता है। इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज नॉट अ सेल, द पार्टनर्स बींग ज्वाइंट ओनर्स ऑफ दोज एसेट्स कैन नॉट बी बोथ बायर्स एंड सेलर्स, सो दे कैन नॉट बी इन द शूज ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स, खुद को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, वो तो प्रॉपर्टी उन्हीं की होती है। सो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए दो पार्टीज का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट इज पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ आपका है बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर का, जो आपको याद रखना है।
चलिए, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स बिटवीन देम. लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए. सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इन टू कॉन्ट्रैक्ट्स. एनफोर्सेबल इन लॉ नहीं है तो भाई एनफोर्सेबल इन लॉ नहीं है तो फिर वो कभी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाएंगे एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज एच. ये तो आपको समझ में आ गया. तो मतलब जब आप अपनी माता जी को बोलते हो कि मैं आपके पैर दबाऊंगा एंड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, विल इट बिकम एन अ कॉन्ट्रैक्ट? इट विल नेवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स. चलो एग्जाम्पल आप लोग देखो, इसमें क्या होता है, बैलफोर वर्सेज बैलफोर में हस्बैंड बोलता है वाइफ से कि मैं जा रहा हूँ विदेश, मैं तो चला विदेश, हाँ तो अब मैं जब अब्रॉड चला जाऊँगा तो आई विल पे यू मनी, मैं आपको मेंटेनेंस के लिए हर महीने पैसे दूंगा, इतना बोलता है हस्बैंड. अब हस्बैंड जो है वो अपना वादा नहीं निभाते, वो तो भाई जग जाहिर बात है, वादा सब लोग तोड़ते हैं, हस्बैंड वाइफ में तो वादे तोड़ना आम बात है. तो इनके जो हस्बैंड हैं मिसेस बैलफोर के, वो वादा नहीं निभाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं और मेंटेनेंस का पैसा नहीं भेजते. तो वाइफ जो है वो मुकदमा कर देती हैं, सू कर देती हैं अपने हस्बैंड को पैसे के लिए, फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट. इट वॉज हेल्ड दैट इट इज़ अ सोशल अग्रीमेंट एंड द अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड. चलो, अ हस्बैंड अग्रीज टू पे हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस एवरी मंथ वाइल ही वॉज अब्रॉड. हस्बैंड फेल्ड टू पे द प्रोमिस्ड अमाउंट, वाइफ सूड हिम, मुकदमा कर दिया भाई फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट. हेयर इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर इट एज इट वॉज अ सोशल अग्रीमेंट एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप्स. लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था. तो मैम इंटेंशन कब होगा, कब एक वाइफ अपने हस्बैंड को सू कर सकती है पैसे के लिए? जब बेटा आप एक आप स्टैम्प पेपर वगैरह होता है ना, हाँ वैसा कुछ एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है, रिटर्न आप कर लो अग्रीमेंट और उसको नोटिफाई नोटरी करवा लो, नोटराइज करवा लो, ठीक है, नोटरी पब्लिक से, नोटरी पब्लिक पे जाके उसका नोटराइजेशन हो जाता है, नोटरी पब्लिक पे वहाँ पर आप उसकी नोटिंग करवा लो तो आपका जो अग्रीमेंट है दैट विल बिकम अ लीगल अग्रीमेंट, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले लेगा. हाँ तो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन फिलहाल अगर एक वर्बल अग्रीमेंट दिया, वर्बल प्रॉमिस किया हुआ है, दैट विल नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस ऑन आइदर द पार्टीज बिकॉज इट इज़ अ सोशल अग्रीमेंट. चलिए, तो पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. नेक्स्ट इज अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस. कुछ केसेस में कुछ मैंडेटरी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है आप प्रीमियम पे करो, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे कह रही है आप प्रीमियम पे करो और हम आपको इंश्योरेंस देंगे, क्या आप मान जाओगे? आप उनको प्रीमियम पे कर दोगे? नहीं पे करोगे जब तक कि आप इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स नहीं देख लेते, पढ़ नहीं लेते, उसमें सब बातें नहीं लिखी हुई हैं कि भाई कौन कौन से चीज़ें कवर्ड हैं, कितना अमाउंट है, कितना प्रीमियम है, कब तक पॉलिसी वैलिड है, पॉलिसी कब सस्पेंड कर सकते हो, प्रीमेच्योर कैसे हो सकती है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत होती है. लाइफ इंश्योरेंस भी वैसा ही होता है भाई, आप अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बताते हो कि आपको कोई पहले से बीमारी है या नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें, आपकी एज भी मायने रखती है कि आपको कितना लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है. तो ये सब बातें जो होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स में लिखना ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी के लिए. इसलिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी रिटन. दिस इज़ एन एडिशनल फॉर्मेलिटी विच हैज़ टू बी कंप्लाइड विद. नेक्स्ट इज़ आपने सुना होगा ज़मीन खरीदने बेचने में, सॉरी घर खरीदने बेचने में, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में रजिस्ट्री होती है. रजिस्ट्री वर्ड आपने सुन रखा होगा, रजिस्ट्री होती है रजिस्ट्रार के पास जाके, ठीक है, तो वो दैट थिंग इज़ ऑल्सो मैंडेटरी कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो उसका खरीदना बेचना चल रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एंड स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट. स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. दीज आर दी एडिशनल फॉर्मेलिटीज विच हैव टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में रजिस्ट्री नहीं होती है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिटर्न होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें कुछ और फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको कंप्लाई करनी पड़ती हैं, जो हम देखेंगे. सो अदर फॉर्मेलिटीज नीड टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टन केसेज. इन केस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी रिटन. एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, सो इट मस्ट बी अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट. फर्दर इन केस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर द लॉ विच इज इन फोर्स एट द टाइम इज एसेंशियल फॉर इट टू बी वैलिड. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका
वैलिड करने के लिए आपको उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। ये सारे आपके वैलिड्स हैं, ये सारे आपके एसेंशियल हैं टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी टू पार्टीज, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट इज अदर फॉर्मेलिटीज नीड टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीनिंग बहुत सर्टेन होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में, आपके अग्रीमेंट में, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। जैसे कि आपने अपने सप्लायर से, आपने किसी से वादा किया आई विल सेल यू सम ऑयल फॉर रुपीज 45 पर लीटर, ठीक है, तो आप पैसे ले भी रहे हो, सामान भी बेच रहे हो, तेल बेच रहे हो, ठीक है, उसने भी साइन कर दिया, आपने भी साइन कर दिया, तो ये एक तरीके से ये अग्रीमेंट है, लेकिन इट विल नेवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। वाई? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सम, इट इज अनसर्टेन, निश्चित नहीं है, अनिश्चित बात कर दी आपने, इट इज वेग, वेग मतलब वी ए जी यू ई, वेग मतलब नॉट क्लियर इन मीनिंग। वेग का एक और पर्यायवाची शब्द है आपका सिनोनिम एम्बिगस, एम्बिगस, जी यू ओ यू एस, एम्बिगस, एम्बिगस ऑल्सो मीन्स वेग, नॉट क्लियर इन मीनिंग। सो हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना तेल बेचोगे आप, हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा तेल बेचोगे आप, दिस विल नेवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। सो एसेंशियल क्या हो गया आपका, दैट देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, वेगनेस नहीं होनी चाहिए। द अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनिट, इनडेफिनिट भी नहीं होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर समय के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब तक आप जियोगे तब तक मैं ये करूँगा या हज़ार साल तक करूँगा, नहीं, ऐसा कुछ इनडेफिनिट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, इन्फिनिटी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, ए अग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो वॉट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड फॉर, दस इट विल नेवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वॉट काइंड ऑफ ऑयल, कौन सा तेल बेचना है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द अग्रीमेंट, द अग्रीमेंट विच हैज़ टू बी परफॉर्म्ड, जो आपने वादा किया है किसी व्यक्ति से वो परफॉर्म करने के काबिल होना चाहिए, इट मस्ट बी पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि मैं आपको घड़ी बेचूंगा, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति आपसे वादा कर रहा है कि मैं तुमको जादू दिखाऊंगा, ठीक है, जादू दिखाऊंगा। सो मैजिक, इज मैजिक पॉसिबल, जादू से मैं आपको जो है आपको ट्रेजर ला के दूंगा, आपको धन दौलत ला के दूंगा जादू से, ठीक है, खुलजा सिम सिंह वाला, मैं आपका जीनी बन जाऊंगा, ऐसा कुछ आपसे वादा कर रहा है। सो इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है ये, ऐसा नहीं हो सकता कि जादू से कोई आपको धन दौलत ला के दे दे, तो दिस विल नेवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इट मस्ट बी पॉसिबल ऑफ, पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड, द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, एन अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स, एनफोर्स ही नहीं हो पाएगा अगर वो इम्पॉसिबल होगा तो। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ए अग्रीज विद बी टू डिस्कवर मैजिक, सॉरी डिस्कवर ट्रेजर बाई मैजिक, मैं खजाना ढूंढ के निकालूंगा जादू करके, ऐसा ए ने बोला बी से, द अग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, इसकी एनफोर्सिबिलिटी नहीं हो सकती, एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, जादू से भाई खजाना वजाना नहीं निकाला जा सकता, फालतू की बातें होती हैं ये सब, ठीक है, आप भी किसी जादू वादू के चक्कर में मत पड़ जाना, काला जादू, पीला जादू, नीला जादू। चलो फिलहाल आप देख लेते हैं हमने कितना पढ़ लिया, हमने देखा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इट देयर मस्ट बी टू पार्टीज, यहाँ पर एक्चुअली मैं आपका सेक्शन 10 वाली बातें लिखी हुई हैं, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, there must be an intention to create legal obligations, there are some other formalities which have to be complied within certain cases. अच्छा, vague नहीं होना चाहिए, certainty of meaning होनी चाहिए, certain होना चाहिए, और possible to perform होना चाहिए, इतना चीज़ आपने देखा, which was not mentioned in section 10. section 10 के हिसाब से भी कुछ essentials elements हैं contract के, जो हम will see in the next lecture. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और जो भी तक पढ़ा दिया है प्लीज़ उसको रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी।